नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। भारत में स्थित अनेकों मंदिर ऐसे हैं जिनके रहस्य आज भी अनसुलझे ही हैं। हमारे देश में ऐसे ही कई रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर हैं। इनमें प्रमुख तौर से राजस्थान के बीकानेर से 32 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित चूहों वाला मंदिर है। यह मंदिर करणी माता मंदिर, चूहों वाली माता मंदिर, मूषक मंदिर से विश्व विख्यात है। इस रहस्यमय मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में भक्तों को चूहों का जूठा प्रसाद ही वितरित किया जाता है। करणी माता को माना जाता है माँ जगदम्बा का अवतार। इस इलाके में करणी माता को माँ जगदम्बा का अवतार मानते हैं। माता का जन्म 1387 में चारण कुल में हुआ था। उनका बचपन का नाम रिघुबाई था। उनकी शादी साठिका गांव के किपोजी चरण से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उनका मन सांसारिक जीवन से उब गया, इसलिए उन्होंने किपोजी चरण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवाकर खुद को माता की भक्ति और लोगों की सेवा में लगा दिया। जन कल्याण, अलौकिक कार्य और चमत्कारिक शक्तियों के कारण रिघुपाई को करणी माता के नाम से पूजा जाने लगा। जिस गुफा में करणी माता अपनी इष्ट देवी की पूजा किया करती थी, वह गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। श्रद्धालुओं के अनुसार करणी माता 151 वर्ष की आयु में 23 मार्च 1538 में ज्योतिर्लीन हुई थी। उनके ज्योतिर्लीन होने के पश्चात भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा शुरू कर दी। यहाँ पर रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। माँ को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को पहले चूहे खाते हैं और फिर उसे भक्तों में बांटा जाता है। मंदिर में रहते हैं 20,000 चूहे। चूहों को प्लेग जैसे भयानक रोग का प्रमुख कारण माना जाता है। बावजूद इसके राजस्थान के करणी माता मंदिर चूहों वाले मंदिर के प्रांगण में हर पल हर जगह चूहों का ही वास है। इस अनूठे मंदिर में 20,000 चूहे रहते हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों को चूहों का जूठा किया हुआ प्रसाद ही वितरित किया जाता है। आज से कई साल पहले समूचे भारत में प्लेग फैला, परंतु इस मंदिर के आसपास कहीं भी प्लेग की बीमारी का नामो निशान नहीं था। इतने चूहे होने के बावजूद भी मंदिर परिसर में बिल्कुल भी बदबू नहीं आती। सबसे खास बात यह है कि आज तक मंदिर से प्रसाद ग्रहण करने के बाद कोई भी बीमारी नहीं फैली। यहाँ तक कि चूहों का जूठा प्रसाद खाने से कोई भक्त बीमार नहीं हुआ। मंदिर के प्रांगण में माता के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के शरीर पर चूहे कूद फांद करते रहते हैं, लेकिन किसी भक्त को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थान पर बारीक जाली लगी हुई है। मंदिर में चूहों का घायल होना माना जाता है अशुभ। मंदिर में प्रवेश करते ही हर तरफ चूहे ही चूहे दिखाई देते हैं। माता के दर्शनों तक पहुंचने के लिए भक्तों को अपने पैरों को घसीटते हुए जाना पड़ता है, ताकि पैर के नीचे आकर चूहे घायल ना हो जाएं, क्योंकि मंदिर में चूहों का घायल होना अशुभ माना जाता है। मंदिर में करीब 20,000 काले चूहे हैं, परंतु उनके साथ कुछ सफ़ेद चूहे भी रहते हैं। इन सफ़ेद चूहों को ज़्यादा पवित्र माना जाता है। मान्यता यह है कि यदि सफ़ेद चूहा दिखाई दे जाए तो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। सफ़ेद चूहों को करणी माता के परिवार का सदस्य माना जाता है और काले चूहों को रिश्तेदार और जाति के अन्य सदस्य माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि आरती के वक्त सभी चूहे माता की मूर्ति के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। चांदी की विशाल परात में चूहे ग्रहण करते हैं प्रसाद। करणी माता मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर मनमोहक नक्काशी भक्तों को पहली नज़र में ही सम्मोहित कर देती है। मंदिर के चांदी के किवाड़, सोने का छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए यहाँ रखी चांदी की बड़ी परात भी देखने लायक है। इसी चांदी की परात में चूहे प्रसाद ग्रहण करते हैं। विदेशियों के आकर्षण का केंद्र है मंदिर। मंदिर में बड़ी संख्या में हर साल विदेशी मंदिर के आश्चर्य को देखने पहुंचते हैं, परंतु मन में चूहों से फैलने वाले रोग के डर से वह मंदिर में माता के दर्शन के समय अपनी जुराबों को नहीं उतारते। इतना ही नहीं, अपनी पैंट को भी जुराबों के बीच कर लेते हैं। मंदिर में लगा है 8वें आश्चर्य का बोर्ड। करणी माता मंदिर में चूहों की मौजूदगी को देखते हुए मंदिर के बाहर 8वें आश्चर्य का बोर्ड भी लगा हुआ है। चूहों चारण प्रति मान्यता। मंदिर में चूहों और चारण के प्रति एक मान्यता प्रचलित है। यहाँ पर चूहों को काबा कहा जाता है। मान्यता है कि जब किसी चूहे की मौत होती है तो वह चारण का रूप धारण करता है, वहीं दूसरी तरफ जब किसी चारण की मृत्यु होती है तो वह काबा का रूप धारण करता है। महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था मंदिर का निर्माण।
मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने राजपूती और मुगली शैली में करवाया था। मंदिर के सामने महाराजा गंगा सिंह ने चांदी के दरवाजे भी बनाए थे। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर नक्काशी देखने दूर दूर से लोग आते हैं। भक्तों के अनुसार मां करनी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, यह थी करनी माता मंदिर से जुड़ी जानकारी। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर आपके रूबरू होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।